इतना टाइम हो गया अभी तक ये ड्यूटी से नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। 10:30 बज गए यार, पता नहीं कब आएंगे। अब मुझे दर्जी के पास जाना है कपड़े सिलवाने शादी के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। इनको तो काम से ही फुर्सत नहीं है, ये नहीं थोड़ा मेरा साथ देते। अगले महीने शादी है, बहुत सारे काम है, गहने बनवाने हैं, कपड़े बनवाने हैं, सब कैसे होगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो? अभी तो ड्यूटी में ही हूँ, आज नाइट ड्यूटी लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, घर कब आ रहे हैं? घर आज नहीं आ पाऊंगा। अरे यार, मुझे दर्जी के पास जाना था। कोई नहीं, आप चले जाओ। अरे उसे कपड़ों के नाप लेवाने, गहने भी चाहिए, तुम्हें पता है ना अगले महीने शादी है हमारी। अरे पापा, तो कौन सा दूर है, तो 12 बजे रात तक दुकान खोल के रखता है। आप अरे जाओ, फिर भी बाहर तुम, निकलो, ओला बुक करो और उसके रूम पे पहुंच जाओ, 10 मिनट में तो पहुंच जाओगे मार्केट। यार तुम बहुत ही ज्यादा ना नालायक आदमी हो। सुनो, अगले महीने शादी है घर में, अगर मैं ड्यूटी नहीं करूँगा पैसा कहाँ से आएगा, समझ रही हो ना? ये तो है। तो जाओ, अकेले ना पालो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक, बाय बाय। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये तो मुझे टाइम दे नहीं सकते, तो मुझे को दर्जी के यहाँ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, मैं अपना नाप दे करके आती हूँ उसको। इसका हिसाब पूरा हो गया है, सारा हिसाब इसी महीने ही क्लियर कर देना है, ताकि अगले महीने से जो पैसा बचेगा वो घर में लगा दूंगा। कितना उधार हो गया है इस महीने, जो देखो वो उधार ही कपड़े सिलवा लेता है। अभी ये राजू भी है, देखो 3 साल पहले कपड़े सिलवाए थे, आज भी उसका लिखा हुआ है, पैसे देने का नाम ही नहीं लेता है। तो कल इसको फोन लगाता हूँ, ऐसे देगा तो दे ही देगा, नहीं तो उसको बोलूँगा नहीं इसके बाद। बड़ा खुशट आदमी है, उधार भी तो इतना हो गया है कि जैसे लगता है पूरी कॉपी भरी पड़ी है। राजू साहब जी, दुकान बंद कर दिया है मैंने। बंद कर दी? हाँ, टाइम हो गया था, कोई कस्टमर भी नहीं था। हाँ सर्दी तो है, हाँ ठंड का मौसम है, तो सोचा बंद कर देता हूँ। दुकान ताला वाला लगा दिया हूँ, ठीक है। जिसको आया ना होगा तो नंबर आई है, फोन कर लेगा, आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। इधर देखो, इतना क्यों उधार सिलते हो कपड़े? तो सर अब आप ही के कहने पे, आप कहते हो हमारा जान पहचान का है, आप दे दो, तो मैं दे देता हूँ। अब वसूलो आप ना, आप वसूलोगे इसको ना। हम तो वसूल लेंगे, लेकिन यार मेरा तो आज माथा खराब हो गया। हाँ तो देख लो, कम से कम नहीं कुछ तो 30-35 हज़ार रुपये लेने। बिल्कुल हाँ है, कल से ना, कल से मैं ये सब वसूली करता हूँ। हाँ तो बस तुम जरा दुकान का ध्यान देना। मैं दुकान का ध्यान दूंगा, आप वसूली करके आइए पूरा। हाँ अगर जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ही सही है ना। सही बात है, क्योंकि आप 2 महीने हो गया, 2 महीने से आप मुझे सैलरी भी नहीं दे रहे हो। कोई नहीं, कल इसमें से मुझे अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा ना जी, तो मैं आपकी सैलरी दे दूँगी। सैलरी दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मम्मी का तबीयत भी खराब है। फोन किसका है? अरे तो यार प्रिया का नंबर है इसमें तो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप दर्जी कारीगर बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ, बताओ। आपकी दुकान के सामने है, आपकी दुकान बंद है? हाँ दुकान अभी राजू बंद करके आया है। दरअसल है ना, अगले महीने मेरे घर में शादी और मेरे को एक लहंगा सिलवाना है गोल्डन कलर का। सिल देंगे जी। तो जी मैं कैसे करवाऊँ? आप ना हमारे घर आ जाओ। घर आ जाओ? हाँ, आपकी नाप वगैरह सब कुछ हो जाएगी। हाँ। आपका परसों तक आपका लहंगा सिल जाएगा। देख लीजिए, आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। ओके राजू, अभी वो लड़की आ रही होगी, उसका नाप आप ले लेना जी। ठीक है, तब तक मैं ये सारा हिसाब क्लियर करता हूँ।
ठीक ठीक देखता हूँ, कुछ पैसे वैसे मिल जाए तो लेके आता हूँ। ठीक मारे ठीक है, आज दे देना कल तक, बहुत जरूरी है। कल ले लिए, कल ले, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक 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 सर। दुकान भी बंद कर दो, फिर भी यार कस्टमर परेशान करते रहते हैं। हाँ कारीगर जी। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप ही थे? चले जाओ, राजू वहाँ पे है, सारी नापक ले लेगा। ठीक है चलो, मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। हेलो उठिए जी मैम। हाँ तो मेरा ही नाप लेना था आपको। अच्छा आप ही का फोन आया था क्या? मेरा ही फोन आया था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ले लेंगे, तो लीजिए ना। क्या लहंगे का लेना है? हाँ लहंगे का। चलिए ठीक है, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, ठीक है सीधा हो जाइए। इतना ठीक है? और थोड़ा बड़ा लहंगा, बड़ा होता है ना थोड़ा सा? नहीं इतना काफी है। ठीक है भी नहीं कि मैं फिसल के गिर जाऊं। ठीक 129 है। ठीक है और हाथ थोड़ा सीधा करिए। कट स्लीव बनवानी है मुझे। कितना? ऐसे ये वाला। चलिए ठीक 14 और आपका 40। थोड़ा हाथ ऊपर करिए। ये है 90 और 80 कर दूँ? चलो 80 हो गया ये आपका। चलिए और बताइए। और ठीक है हो गया ना? एक सेकंड थोड़ा एक चीज भूल ही गया मैं। हाँ गर्दन का नाप तो लिया नहीं, ये आपका हो गया 37। ठीक है और टाइट करें। ठीक है ठीक ठीक। कब तक मिल जाएगा मुझे? कब चाहिए आपको? मुझे दे देना इस एक हफ्ते में। एक हफ्ते में? चलो ठीक है दे देता हूँ, मिल जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है हाँ। और बताइए और सब ठीक है? फिलहाल मैं चलती हूँ। चलती हूँ मैं। अरे बैठी मैं भी अकेला बैठा हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हाँ बोलिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ ये दूसरी दो तीन बार मैं आपको देखा हूँ अपने दुकान पे यहीं पे आते। हाँ मैं आती रहती हूँ। बराबर यहीं कपड़ा सिलवाती है ना? मालिक हमारे डील करते हैं, हम तो हमारा काम तो केवल सिलना सिलना है। अच्छा वो कहीं काम से निकल गए हैं। खैर एक बात बताओ मैम। बोलिए। सच बताएंगी? हाँ सच ही बताऊंगी। पूछिए। आपकी शादी हो गई? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछ लिया। अभी होने वाली है। होने वाली है? झूठ बोल रहे हैं। अगर होने वाली होती तो मैं देख रहा हूँ कि मंगलसूत्र वगैरह सब पहन रखे हैं। कहाँ है मंगलसूत्र, कहाँ दिखे आपको? अच्छा होने वाली है, क्योंकि अभी आप फोन पर बात कर रहे थे कि आप अपने पति जी से। पति नहीं है, मंगेतर है। अच्छा मंगेतर है। अच्छा अच्छा चलो ठीक, क्योंकि अभी आप आ रहे थे ना तो मैं बात सुना तो इसलिए अच्छा। पूछ रहा हूँ। चलिए तो अभी शादी नहीं है आपकी? नहीं। और बताइए। और सब ठीक है, फिलहाल मैं चलती हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। यार बैठिए दो मिनट, थोड़ा हमारे पास भी टाइम। अच्छा बुरा ना माने तक बात करूँ? कहिए। मुझे आपसे प्यार हो गया। आपका दिमाग तो खराब नहीं है? तो दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? देखो अजीब गरीब बातें मत करो ठीक है। आप इतनी अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्योंकि मैंने अभी आपका नाप लिया ना, हर चीज एकदम फिट लग रहा है मुझे। अब मुझे लगा कि मेरे हिसाब से आप सही हो। देखो ज्यादा बकवास मत करो ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मां। क्या ये क्या कर रहे हो? किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आपसे शादी भी करूंगा। देखो मेरी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तोड़ दो ना उसको। तुम बहुत पागल हो चुके हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो।
मानिए ना बात को भाई। अरे हाथ छोड़ो। तो किया तो क्या ये? अरे मान, अरे लाखों मार रही हो ऐसे, छोड़ो। अरे रोकिए तो, ऐसे क्यों कर रही हो? देखो ज्यादा हो रहा है, मैं यार नाम देने आई हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। देखो मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई दिल विल की बात, जाने दो मुझे। अरे मानिए तो मैं। अरे अरे छोड़ो ना। अरे आओ। अरे छोड़ो, इस क्या बदतमीजी है? मान क्या कर रहा है इधर? अरे देखता हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे रुको राजू, क्या हो रहा है ये? मैं नाप ले रहा था। ये नाप की ले रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे ये। चलो मैं तुमसे अभी बात करता हूँ, दो मिनट बाद, ठीक है? नहीं छेड़ नहीं रहा, बैठो वहाँ पे। बरामदे में क्या हो गया था? अरे कैसे कैसे वर्कर रखे हैं आपने कारीगर जी? इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? इसको मैं भी नौकरी से निकालूंगा, समझ गई तुम? आप आते नहीं तो पता नहीं अभी क्या कर देता मेरे। अरे मैं क्यों नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी से आप मेरे घर में आए हुए, पागल तरह नौकर है ये। हद है, पर कोई बात नहीं, सॉरी बोलते हैं, ठीक है इसकी तरफ से। इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसे ना ऐसे वर्कर इसको मैं भी निकाल देता हूँ, ठीक है? कल को ना आपके कस्टमर कम हो जाएंगे। अरे मैं जानता हूँ, ठीक है, जवाब कर लेगा ना, टाइम से मिलेगा, ठीक है? टाइम से आ जाएगा ना लहंगा? हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक है। अजीब पागल ये है राजू, कस्टमर के साथ लग जाता है छेड़खानी करने, ऐसे तो मेरे सारे कस्टमर टूट जाएंगे। राजू जी मालिक, आओ बैठो। तुम यार कैसे आदमी हो यार, अपना कस्टमर है कोई, क्या करूं? आप क्या करूं मालिक, देखा तो मन थोड़ा। अरे ये मन की बात नहीं है, ये अपना धंधा को तोड़ना है। कोई नहीं, आज के बाद ऐसे करते नहीं हो। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना भाई, अपनी कहीं वो नौकरी देख ली। नहीं आज के बाद ऐसा गलती नहीं, ठीक है? गलती हो गया, जाओ। अजीब राजू हो ये तो, लग रहा है मेरी दुकान ही बंद बंद करवा देगा। चलो उसको समझा दिया, अगली बार कुछ भी सुनने को आया ना तो इसी को निकाल दूँ। हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह। मैं प्रेमराज। देखिए ये स्टोरी बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि देखिए हम जैसे दर्जी थे, हमारी दुकान पे कोई कस्टमर आया तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आजकल देखता हूँ ऐसे हो रहा है ज़्यादातर। तो देखिए कस्टमर हमारे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, अब ये सब थोड़ा समझदारी से करिएगा कभी भी। चलिए अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।